अब तक हम लोगों ने बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस का आनंद लिया है। अब समय है हमारे ही विद्यालय के बाल कवियों से मिलने का। हमारे ही विद्यालय के साहित्य परिषद ने एक लघु कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया है। अब मैं उन बाल कवियों को मंच पे बुलाना चाहूँगी। इनकी कविताएं आपके दिल को छू जाएंगी। जिन्होंने अपना स्थान बनाया है, ऐसे महान भावों को मेरा प्रणाम। आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस भव्य कवि सम्मेलन में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। अपने इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि कविता का ये जो कारखाना है बस आप लोगों से मिलने का बहाना है। तो अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। अब मैं हमारे देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित कवियों को मंचासीन करने जा रही हूँ, जो कि अपनी एक कविता लेकर यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं। तो एक बार जोरदार ताला हमारे उन सभी कवियों के लिए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ ताज के शहर यानी कि आगरा से आए खुशी वर्मा जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खुशी वर्मा जी का। अब मैं बुलाने जा रही हूं मेहनत की धरती, किसानों की धरती यानी कि पंजाब से आए सात्विक विश्वास जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सात्विक विश्वास जी का। अब मैं मंचासीन करना चाहती हूँ गुलाबी शहर यानी कि जयपुर से आए आफिया एहसान जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आफिया एहसान जी का। अब मैं बुलाने जा रही हूँ आपकी बिहार की बेटी अंकिता तिवारी जी को, जिन्होंने अपनी कविताओं का परचम राष्ट्र स्तर पर लहराया है और आज हमारे समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंकिता वर्मा जी का। एक बार हमारे यहां बैठे इन सभी कवियों के लिए फिर से जोरदार तालियां। तो अब अपने इस कवि सम्मेलन को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं बुलाने जा रही हूँ आगरा के शहर से आई खुशी वर्मा जी को। पर उनको बुलाने से पहले मैं आप सभी को कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ कि जिंदगी हमें मौत से भी प्यारी है क्योंकि मौत तो एक ना एक दिन सभी को आनी है। क्यों ना इस जिंदगी का उपयोग कुछ अच्छे कार्य करके कर ले, क्योंकि यही जिंदगी एक ना एक दिन हमारी ही एक कहानी है। तो अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए खुशी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद नव्या जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे बिहार की इस पावन धरती पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आयोजन समिति का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, कितनी कठिनाइयां हैं, कितने चीज़ों का तनाव है, दबाव है, और ये ज़िंदगी कितनी छोटी सी है। तो क्यों ना एक बार इन चीज़ों को अलग कर मुस्कुरा लिया जाए। तो आज इस पर ही मैं आज आप सभी को एक प्यारी सी कविता समर्पित करना चाहूँगी और साथ साथ एक निवेदन भी करना चाहूँगी कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस जब जब मैं बोलूँ मुस्कुराओ तो मुस्कुराना। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज़्यादा ज़रूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद,
और रह जाए फिर भी दिल में दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ, और है अगर दिल में खुशी ज़्यादा तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो, इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या ही हो जाता। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पे कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर ज़रूरत से ज़्यादा तो बांट कर खाना। मुस्कुराओ मुस्कुराओ जब कोई पूछे कि ज़िंदगी जीने का है क्या सलीका, तब ये कहकर मुस्कुराओ कि हमने तो ज़िंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ। बहुत बहुत शुक्रिया, और आशा करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। धन्यवाद खुशी जी। एक बार फिर से अगर आप सभी ने इनकी यह कविता सुनकर जरा भी मुस्कुराना सीखा है तो एक बार खुशी जी के लिए जोरदार तालियां। तो अब मैं बुलाने जा रही हूँ पंजाब के शहर से आए सात्विक विश्वास जी को, पर उनको बुलाने से पहले मैं उनको कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। कि भाव की तस्वीर होती है कलम, कि भाव की तस्वीर होती है कलम, युद्ध में शमशीर होती है कलम, ए कलमगार कलम को संभल के चला, राष्ट्र की तकदीर होती है कलम। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सात्विक विश्वास जी का। सर्वप्रथम मैं आज की मन संचालिका नव्या जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने मुझे इस बुद्ध की पावन धरती पर बुला के मेरे सम्मान को गर्व से ऊंचा जो किया, धन्यवाद नव्या जी। आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी के समक्ष चंद पंक्तियां प्रस्तुत करूंगा और आशा करता हूँ वे आपके दिलो जहाँ को झंझोर के रख दें, तो यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। पहली पंक्ति मैं उन लोगों को समर्पित करना चाहूँगा जो कोशिश करने से पहले ही अपने हार को स्वीकार लेते हैं, तो यात्रा कीजिएगा मेरे साथ। कि डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जो दूसरी पंक्ति है मैं उन लोगों को समर्पित करूंगा जो अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं या उन्हें लग रहा है मैं अपने लक्ष्य को पा नहीं पाऊंगा, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। कि मुझको न रोकिए न नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत तो हमें अपनी आजमाने दीजिए। मैं अपनी अंतिम पंक्ति की तरफ बढ़ना चाहूँगा और इस पंक्ति से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ताकत का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए डरना भी आवश्यक है, तो ज़रा गौर फरमाइएगा। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे तेरी बिकने से इनकार कर दिया, तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। धन्यवाद आप सभी का, मुझे लगता है आप लोगों ने बड़ा ही अच्छा सुना और मैं आशा करता हूँ मुझे यहाँ आने का और आप सभी को कुछ पंक्तियाँ और सुनाने का अवसर प्राप्त हो। धन्यवाद आप सभी का। वाह, क्या जोश भरी कविता सुनाई है सात्विक जी ने। मैं चाहती हूं कि आप एक बार फिर से सात्विक विश्वास जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो अब मैं बुलाने जा रही हूं जयपुर से आई आफिया एहसान जी को, तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आफिया एहसान जी का। सबसे पहले मैं मन संचालिका नव्या जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे बिहार के इस पावन धरती पर आने का अवसर दिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जिंदगी कितनी छोटी सी है और हमारे कुछ बड़े बड़े सपने हैं जो कि हम चाहते हैं उनको पूरा करना, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सफल ना हो पाए,
जो चाहते हैं कि हम अपने जिंदगी के सपने को पूरा ना कर पाए, तो ये चंद पंक्तियाँ उन लोगों को मैं समर्पित करती हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरत सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरत सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकर फेंकोगे। चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं। अपने ही हाथों रचा स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब कर सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। धन्यवाद। धन्यवाद आफिया जी, एक बार फिर से आफिया जी के लिए जोरदार तालियां। तो अब मैं आपके बिहार की बेटी को बुलाने जा रही हूं, अंकिता तिवारी जी को। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अंकिता तिवारी जी का। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी सुमधुर मन संचालिका नव्या जी को, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से इस पूरे मंच को, इस पूरे कार्यक्रम को पिरोए रखा। तो आज की कविता एक ऐसी कविता है जिसमें एक बेटा अपनी माँ से अपने शहीद पिता के बारे में पूछता है, और माँ उदास बैठी है। उस वक्त का क्या माहौल होगा सुनिएगा। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछ बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए गए उपहार को देखता है, उससे पहले अपनी माँ की दो तीन दिन से स्थिति को देखता है और माँ के पास जाके बहुत अच्छी बात कहता है, सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज बिबिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज बिबिंदिया लगाई है, है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, बिछुआ भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है। लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा थोड़ी देर के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के पिता द्वारा लाए गए उपहार को देखता है, फिर उदास होता है, फिर अपनी माँ के पास जाके कहता है, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ और साथ में पटाखे लाए हैं। वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया, वो भी तो नए शूज पहन खेलने आया। पापा पापा पा कह के मुझे सब ने चिढ़ाया, पापा पापा पा कह के मुझे सब ने चिढ़ाया। अब तो बता दो क्यों है सूना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है क्योंकि वो जवाब नहीं देती। वो अपनी बुत बनी माता को झकझोरता है और फिर कहता है,
दो दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, दो दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई। आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी मैं सुनूँगा, अब तो बता दो क्यों है बताने से है इनकार। दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार, के पूछ ही रहा था जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसके चिता के, के पूछ ही रहा था जिस पिता के लिए जुड़ने लगी थी लकड़ियाँ उसके चिता के लिए, पूछते पूछते वो हो गया निराश जिस वक्त आई आंगन में उसके पिता की लाश। वह एक टक लाश को देखता एक टक अपनी माँ को, पुनः लाश को देखता पुनः माँ को, फिर माँ के पास बहुत अच्छी बात कहता है सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला अजीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कड़ के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कड़ के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरी कविता आपके दिल को छू गई होगी। धन्यवाद।